चलिए बात करते हैं भोपाल की। तो यहाँ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में सीएम हाउस खाली करने वाले हैं। परिवार के साथ सीएम हाउस में उन्होंने पूजा अर्चना की है, वहीं गौशाला में गौ माता के दर्शन किए हैं। सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई भी दी है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें एक बार फिर से, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीएम हाउस खाली करने वाले हैं। तो आपको बता दें, उससे पहले उन्होंने परिवार के साथ यहां पर सीएम हाउस में पूजा अर्चना की है, गौशाला में गौ माता के दर्शन भी किए हैं। सीएम हाउस में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई दी है। तो ये विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये हमारे साथ में है मध्य प्रदेश के पूर्व शिवराज सिंह चौहान। यहाँ हम देख सकते हैं साधना सिंह जी हैं, तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको जो यहाँ पूजन कर रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके साथ में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो प्रवेश की जो बात है वो हो रही है, और यहाँ पर उन्हीं तस्वीरों को आप यहाँ पर उस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरा लंबा अरसा था, लगभग अगर हम बात करें वो 16.5 साल करीब जो है सीएम हाउस में रहे, सबसे लंबे समय तक सीएम हाउस में रहने वाले चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान। और अब वो अपने जो BH-76 जो बंगला है उनको आवंटित था उसमें आ चुके हैं जी। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आज सीएम हाउस खाली करने जा रहे हैं, कैसा माहौल है वहाँ पर, क्योंकि इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे, लगातार एक घर जैसा माहौल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जो माहौल है वो आप देख सकते हैं एक अलग तरीके का है। खुद शिवराज सिंह चौहान से भी हमारी बात हुई थी, लगभग 16.5 वर्ष वो वहाँ पर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उसके बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काफी भावनात्मक क्षण ये है जी। काफी गाय वहाँ पर थी, पौधे आप जी जी, गाय भी थी, पौधे भी थे, गायों के बछड़े, जन अष्टमी और धनवंतरी भी थी, सब कुछ थे। और आज हमारे साथ में सब लोग वहाँ आ गए हैं यहाँ पे ना, भावनात्मक क्षण है। मैं मेरे पति इस घर में आ रहे हैं तो मैं उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही हूँ जी। कोई भावुक पल नहीं है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, खुशी खुशी मैं वेलकम कर रही हूँ। बहुत सारी यादें हैं, जैसे एक बच्चा जब 5वीं क्लास से उस घर में जाता है और वो ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद में अपने काम में लग जाता, तो यादें तो बहुत सारी होती है। जैसे आप भी बचपन में गई होंगे, बड़ी हो गई होंगी, तो जिस घर में गई होंगी, हाँ हाँ, मतलब ट्रांसफर में जो घर मिलता है वापस आते तो दूसरी जगह जाते हैं, तो यादें तो जुड़ी जाती मकान से। तो जी भावुक नहीं है, तो ये हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखे जो तस्वीर लंबे समय से, जैसे हम बता भी रहे थे कि इधर आओ, जो तुम्हारे पास ईपी नहीं था।
तो तुमको ऑडियो समझ में नहीं आ चल रहा है सर, जहाँ पर उन्होंने एक तरफ आपको उनके पुराने बंगले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूर्व सीएम हाउस की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व सीएम जहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। नए बंगले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और आज हमारे साथ में सब लोग वहाँ गए हैं यहाँ पे ना, भावनात्मक क्षण है। आप ये तस्वीरें देख रहे थे, आपको बता दें जहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस खाली कर दिया है, अब वो दूसरे बंगले में शिफ्ट हुए हैं। दूसरे बंगले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां उनकी पत्नी साधना सिंह उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, तिलक लगाने के लिए खड़ी थी और उन्होंने कहा है कि भावुक क्षण तो है लेकिन इतना भी भावुक नहीं है। क्या होता है कि यादें तो जुड़ी हुई है, पुराने घर से यादें जुड़ी हुई है, लेकिन जहां अब नया बंगला आवंटित होगा वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से। और अगली अब जो शुरुआत आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी यहीं से पूरा करेंगे आप, पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे। सर राहुल गांधी एक नई यात्रा लेकर, अब उस पर छोड़िए आज बात करें, भावनात्मक क्षण होगा आज बीजेपी विकास की इतनी ऊंचाइयों पर हम ले गए हैं कि मन आत्मसंतोष से भरा हुआ है। एक नहीं अनेकों योजनाएं, लाडली बहना जैसी योजना भी बना पाए अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए, उसका भी आत्मसंतोष है। अब नई सरकार हमारी मोहन जी के नेतृत्व में इन कामों को आगे बढ़ाएगी। हाँ, पुराने सहयोगियों से जब मिले तो वो जरूर भावुक थे क्योंकि सीएम हाउस में इतने बरस रहे तो साथ काम करने वाले गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, फोटो भी खिंचाए और अब यहाँ से सेवा का, प्रदेश की प्रगति और विकास का और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के काम का नया अध्याय प्रारंभ। सर 18 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी शिवराज जी एक लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, कहीं पर जाते हैं तो लाडली बहना लिपट कर रोने लगती है, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? पहले ना सिर्फ भाई जनता का प्यार, देखिए भाई और मामा तो परमानेंट जी, तो वो स्नेह और प्रेम बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अभी चाय ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां नए बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहां की ये तस्वीरें हैं जहां वो गृह प्रवेश कर रहे थे आज अपना, गृह प्रवेश की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें भोपाल से जहां आज उन्होंने अपना सीएम हाउस खाली कर दिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज नए बंगले में गृह प्रवेश कर लिया है, नए बंगले में वो शिफ्ट हो गए, तो नए बंगले की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब उन्होंने सीएम हाउस छोड़ा तो वहां पर वो गौशाला में गए थे और साथ ही पूजा अर्चना की थी अपने परिवार के साथ और अब वो नए बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं।